यार कितनी ग्रीनरी है, कितनी। बहुत ज्यादा। पहली बार देख रहा हूँ मैं तो इतनी हरियाली, पहली बार देख रहा है इतनी हरियाली, आज तक नहीं देखी थी इतना सही में। भरा। आप रेडी हो केरला की सैर करने के लिए? उसके केरला के हाउस, स्ट्रीट, रोड और सब कुछ, बहुत कुछ दिखाना है। ठीक है, चलते हैं। चलते हैं, चलो गाइज। अभी हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट में, आते हुए आएंगे राइट से और अभी चलते हैं हम इधर। पहले मैं इधर से जाके और इसको पहले ये वाला एरिया कवर करती हूँ, उसके बाद फिर उधर से एक लेफ्ट में मार्केट आता है, सुपर मार्केट, तो वहाँ से होते हुए निकलेंगे। ये हम यहाँ से, ये शॉप है हमारी, हम यहाँ से आंटी के पास से काफ़ी कुछ लेके जाते हैं। आंटी कितने ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आंटी सोत रही है। आंटी नमस्कार। ये मेरा भी ना हो सकता लास्ट वॉक है, इवनिंग वॉक शायद केरला में, क्योंकि आज हम, मैं और ये फ्री थे, अमित ड्यूटी चले गए, आप लोगों ने देखा है, तो कल तो शायद हम बहुत बिजी रहने वाले हैं। हम कल का कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं, एक दो सोच रहे हैं जाने से पहले एक दो लोकेशन और एक्सप्लोर कर ले। ये देखो गाइस, यहाँ पे पूरी मंडली बैठी है। हम भी वॉक पे निकले हैं और शायद ये भी वॉक पे है। एक उधर अगर मैं अभी हम कवर कर पाए तो एक दूसरी तरफ जो हम जाते हैं उधर, लोकेशन का मुझे नहीं पता है, वेस्ट फोर्ट पता नहीं क्या बोलता है अमित उधर, तो वहाँ पे काफ़ी प्रवासी पक्षियों ने अपने पेड़ पे घोंसले बनाए हुए हैं और उनमें से एक दो बच्चा डेली नीचे गिर के किसी व्हीकल के नीचे आके ऐसे मरता रहता है, क्योंकि हम कई बार डेली जैसे इवनिंग वॉक पे जाते हैं तो हम देखते रहते हैं। परमजीत, तुम्हें कैसा लग रहा है अभी इतनी दूर तक हम जैसे आ चुके? पहली बार देख रहा हूँ मैं तो इतनी हरियाली। पहली बार देख रहा है इतनी हरियाली, आज तक नहीं देखी थी। सही में बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे तुझे क्या, जैसे अपने वहाँ पे घर होते हैं, अपने यहाँ पे घरों में मतलब किसी किसी घर में ही ऐसा मिलता है कि हाँ ऐसे पेड़ होंगे या फिर कोई ऐसे स्पेशल स्पेस छोड़ देगा? तो सिर्फ बाउंड्री पे मिलेंगे, यहाँ पे तो चारों तरफ घर में, आसपास घर के बिल्कुल पेड़ दिख रहे हैं। घर तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हाँ यहाँ अंदर घर है। करो कंटिन्यू। शर्मा गया लड़का। देखो अब ये सामने वाला घर है, जैसे पास में और काफ़ी सारे ऐसे घर है जो देखने को मिलेंगे तुम्हें, ऐसे कोई भी देख लो तो। एक तो मुझे यहाँ की जो मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है वो लगती है जो बाउंड्री और फिर मेन गेट, बाउंड्री बना के मेन गेट करना, उसके बाद फिर पेड़ पौधे लगाना, उसके बाद अंदर जाके गेट है घर का जो जिसमें एंट्री होती है घर में। और हमारे इधर में क्या है, सीधा चार दीवार और सीधा घर स्टार्ट। ऊंची दीवारें होती है, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर वाला देख नहीं सकता, ताका झांकी नहीं कर सकता। सब कुछ खुला। उधर देखना, देख जैसे यहाँ पे ये कुआं है, तूने कभी अपनी तरफ देखा ऐसे? घर में तो नहीं देखा मैंने, बाहर देखे, गांव में होंगे चार पांच। देखा है अपनी तरफ? अब तो बंद कर दिए सब, लेकिन मेरे गाँव में अभी है तीन चार अभी भी है। ये मैंने तो यहीं पे केरला में आने के बाद देखी है ये सब, मतलब कुएं और ये जो यहाँ पे है। और एक और चीज़ ये भी यहाँ पे देखने को मिल गया, जैसे ये बना हुआ है तूने हमारे वाले घर में भी देखा होगा, पीछे छत पे टेरेस पे बना रखा है, ये हर जगह पे मिलेगा। नॉर्थ में मैंने ये जब बहुत पहले देखा था तो कोई कोई बनाता था जैसे कपड़े धुलने के लिए या फिर वैसे, तो ये यहाँ पे है आंटी और उस पर कपड़े धुलते हैं जो हमारे वाली आंटी है। और नॉर्थ में ये अब चीज़ें छोड़ दी, तो बहुत सारी चीज़ें देख के लगता है कि जैसे केरला में ना मतलब पुरानी चीज़ें काफ़ी कुछ देखने को मिलती है इस टाइम पे भी। और अपनी तरफ तो पता नहीं क्या सब छोड़ते जा रहे हैं यार, कितनी ग्रीनरी है, कितनी। देख कितना सुंदर फूल है, देख कितना सुंदर फूल है। और इसके पास में काफी सारे वो आ रखे हैं ना, किस चीज का फूल है ये? तुझे भी नहीं पता? मेरे ना एक बात याद आ गई गाइस,
जब अमित मुझे बताता है 2017 या 18 में यहाँ पे बाढ़ आई थी एक बार, काफी बारिश चल रही थी उस टाइम पे, तब तक तो मैं अमित को जानती भी नहीं थी और अमित तब यहीं पे था उस टाइम पे बाढ़ में। तो उसने मुझे बताया था कि उस टाइम पे लाइट ना 4-5 दिन तक लाइट नहीं आती थी, आई नहीं थी या आती नहीं थी पता नहीं, उसमें काफी टाइम तक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी किसी भी घर में नहीं थी। तो उस टाइम पे अमित भी कैंडल जला के रहता था घर पे भी, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पानी की, उस टाइम पे पानी इन कुओं से ही निकाला जाता था, बारिश का पानी तो बहुत था पर मोटर नहीं चलती थी तो इसलिए ये कुएं तब बहुत काम आए थे अमित के। और हमारे आने के बाद मुझे ऐसा याद है सिर्फ एक बार हुआ था हमारे घर में, मतलब कुछ गली की पूरी लाइट चली गई थी किसी वजह से, तो उस टाइम पे हमने भी कुएं से पानी निकाला था और एक दिन पूरा एक दिन तो इसलिए होने चाहिए घर पे। इतने सारे यार कितना सुंदर लग रहा है ना, ये घर है क्या है, घर ही है यार, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मंदिर या फिर कुछ उस टाइप से, नहीं होता ये हमारा फेवरेट है, ये वाला कॉर्नर हमारा फेवरेट है। इधर कितने सारे बच्चे, इनकी साइकिल चलाऊं मैं, नहीं नहीं तोड़ देगी, प्लीज देखो छोटा बच्चा मना कर रहा है मुझे साइकिल देने से, इसने हाँ भरी है साइकिल, नो यार कोई तो दे दो। और ये गाइज हम लोग जितनी बार भी आए हैं हम यहाँ तक आए हैं, इससे आगे हम लोग बहुत कम जाते हैं, बट आज मैं परमजीत को आगे लेके जा रही हूँ पूरा दिखाने के लिए। परमजीत देखना अपने यहाँ पे खाली ऐसे पड़ा होता है, उसको घेर बोलते हैं, है ना, ये थोड़ी जगह दिखी जो खाली है, हाँ उसको घेर बोल देते हैं। तब से आया हूँ तब से चारों तरफ हरा भरा है, तो हरा भरा तो ऊपर भी देखना कितना है हरा भरा, तो इसमें भी अच्छा नीचे खाली है, देखते हैं अभी यहाँ पे केले आए हुए हैं क्या, इस पेड़ पे यहाँ पे केले आए हुए थे एक बार, आज मैं काफी दिनों के बाद इधर आ रही हूँ और यहाँ पे उस टाइम पे केले आए हुए थे, और अभी तो ये सारे पतझड़ लगा हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पेड़ भी टूटने को रखे हैं केले के, मुझे दिख गए केले पूरे पर वहां तक आज मेरा हाथ नहीं जाएगा इतनी दूर है यार, यहाँ से तो कोई भी नहीं तोड़ पाता होगा ये, है ना। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए अभी, यहाँ से मुझे ये नहीं मालूम है कि यहाँ से इधर से अगर हम जाएंगे तो हम मेन रोड पे निकलेंगे क्या, परमजीत देखा मैप में हम लोग इधर मेन रोड पे निकलेंगे क्या, इलाइट सुपरमार्केट डाल ले क्योंकि इस वाले अगर रोड पे होगा तो वो इधर ही दिखाएगा फिर। अभी परमजीत देख रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे निकलेंगे हम लोग, बट ये देखो इधर सामने कितने सारे केले के पेड़ है, ऐसे कई बार ऐसे डर भी लगता है कि यहाँ से कभी कोई स्नेक वगैरह बाहर आ जाए निकल के, ये काफी देखना इधर कितना भरा जंगल है। और एक और चीज है पता है हमारा जो ये कहते नहीं किस लोकेलिटी जो वो बोलते हैं ना कि ये किस लिए फेमस है कोई नियरेस्ट प्लेस ऐसे, तो हमारा है SN पार्क, बट आज तक मैंने SN पार्क यहाँ पे देखा ही नहीं, सिर्फ सुना सुना है। जैसे हमारी तरफ कोई पार्क फेमस होता है तो उसमें काफी कुछ बच्चे खेलते रहते हैं या फिर उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें झूले वगैरह लगे होते हैं और वहाँ पे बुजुर्ग भी सब बैठे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा मैंने वो SN पार्क ही नहीं देखा अभी तक। हमने नेट पे देख के हम लोग अब जा रहे हैं इस वाले रूट से, देखते हैं हम मेन रोड पे निकलेंगे क्या। यहाँ पे मंदिर है हमारे पीछे, आज हम एक नई जगह से आए, मैंने बताया था हम एक नई स्ट्रीट से निकल के आए हैं, तो वहाँ पे मतलब घर भी काफी अलग थे, थोड़ा जैसे लोकल एरिया होता है वैसे घर थे, है ना, हाँ गांव जैसे घर थे थोड़े थोड़े, हाँ थोड़े थोड़े, मतलब मैं पहली बार देखा है केरला में। और इधर जो मंदिर है मंदिर में आरती चल रही है, पता नहीं मुझे क्या है, अगर कुछ गलत यूज किया तो माफ करना क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मलयालम में है, तो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, मेरे को एक ही वर्ड समझ में आया, अरियप्पा भगवान शरणम, चरणम आया भगवान शरणम, भगवान चरणम, भगवान के चरणों में शरणम, अच्छा शरणम शरणम, ओके चलो चलते हैं अब आगे। ये थोड़ा थोड़ा ना अंधेरा हो गया है, अब हम लोग सुपरमार्केट के पास पहुंच गए हैं, इधर सामने मेन रोड है, मेन रोड से क्रॉस करके हम लोग जाएंगे उधर वेस्ट फोर्ट, शायद वेस्ट फोर्ट ही है मुझे नाम याद नहीं सही से, डेली बोलता रहता है मेरे सामने अमित, मैं फिर भी भूल गई। मेन रोड से हमें क्रॉस करना है
जो कि जब भी मैं अमित के साथ आती हूँ, अमित मेरा हाथ पकड़ के करवाता है। वो बोलता है कि मैं ना बीच में खड़ी हो जाती हूँ रोड के। जी देखो, मैं ना इन पक्षियों की बात कर रही थी जो ऊपर, शायद आप लोगों को पता नहीं दिखेंगे कि नहीं, ये इधर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा ध्यान से देखने पे दिखेंगे। ये देखो ये तो ये ऐसे नीचे यहाँ पे, इनमें से पक्षी गिर गिर के कई बार ऐसे मरे हुए देखे हैं हमने यहाँ। और स्मेल भी बहुत गंदी आती है यहाँ पे, स्मेल इतनी गंदी आती है जब हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं बारिश के टाइम पे, तो बहुत ही बुरी स्मेल आती है। एक एक पक्षी ये पड़ा है इधर, और एक पक्षी ये पड़ा है यहाँ पे, मतलब कितना बुरा हाल हो रखा है यार। और ऐसे व्हीकल इन पे, यहीं पे आके व्हीकल, मतलब काफ़ी कुछ। ये दो तो मैंने यहीं पे पड़े हुए देख लिए, बहुत ही बुरा हाल है, और बहुत ऊपर से पड़ते हैं। ये पता नहीं यहाँ पे क्या पढ़ने लगा, क्या पढ़ा? अमर द्वार है ये, अमर जवान। ओके, हाँ हाँ यार, लिखा हुआ है इस पे अंदर नीचे अमर जवान। हाँ चलो चलो चलो, स्पीड से क्रॉस करो। इतनी भी स्पीड नहीं दिखानी। कोई उठा ले जा, स्ट्रीट लाइट पे कितने ज्यादा ये मच्छर से हो रखे हैं, और बारिश भी नहीं हुई है फिर भी। ये फुटबॉल ग्राउंड है ना शायद इधर, हाँ उसमें तो हद से ज्यादा है कॉर्नर पे, ये देखो। और लाइट के पास चलो परमजीत, मैं ना स्पेशल तुझे यहाँ पे इसलिए लेके आई थी, ये देख छोटे छोटे आम आने स्टार्ट हो गए, दिख रहे हैं? और हमारी तरफ आम कब आते हैं? आम का सीजन है, मतलब कब आते हैं अपनी तरफ में, नॉर्थ में? गर्मी शुरू होती है तब, गर्मी मेरे ख्याल से अप्रैल मई के आसपास है ना। हाँ, और यहाँ पे देख अभी से आम आने स्टार्ट हो गए, कितने सारे आम आ रखे हैं। स्पेशल ये दिखाने के लिए मैं तुझे यहाँ पे इधर लेके आई हूँ। और ये देखो गाइस इधर, ये कितना सुंदर यहाँ पे घर में ऐसे शंख बनाया हुआ है, काफी सुंदर लगता है। हम लोग यहाँ पे डेली जाते हैं तो डेली देखते हैं इस घर के अंदर जाके, कैसा लगा? बेहतर है ना, आर्किटेक्चर यहाँ का कितना अच्छा है ना, बहुत ही बेहतर। गाइस आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारा भी ये लास्ट व्लॉग था ऐसा कोई की स्ट्रीट या फिर हाउस से रिलेटेड ऐसा कोई व्लॉग। ये यहाँ पे कितने मच्छर आ रहे हैं इस टाइम पे भी। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक आप हमारे व्लॉग का वेट करना। बाय बाय।